हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ज़्यादा कुछ इसमें जानकारी वाली बातें नहीं बताने वाला हूं, कुछ अपने बारे में ही जो है बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों के जो है कमेंट आते हैं, काफ़ी सारे भाइयों ने जो है पूछा है मुझसे कि भाई आप जो है इंडिया में कहाँ से हो, कुवैत में कब गए, और कुवैत में मतलब कि आपकी जाने की वजह क्या थी, और इंडिया में आप मतलब कि किस जगह से हो, कितना आपको सैलरी मिलती है, और वहाँ पे मतलब कि कैसे आप गए थे, मतलब कि कितना आपका पैसा लगा था वहाँ जाने का, रीज़न मतलब क्या था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वीडियो में मैं आपसे जो है खुलकर आज पूरी जो है बातें करूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो है कुछ अपने बारे में भी मैं मतलब कि बता दूँ, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, काफ़ी सारे भाई जो है मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, तो मतलब कि उनको यही लगता है कि यार अरविंद लोधी जो कुछ भी वहाँ से वीडियो डाल रहा है तो मतलब कि बहुत सारी जानकारी मिलती है, और मैं अपने स्तर से कोशिश भी करता हूँ कि आप लोगों के लिए जितना हो सके मेरे से हेल्प होने लायक वीडियो मैं उसी तरह की वीडियो डालूँ आप लोगों के लिए। लेकिन काफ़ी सारे भाइयों के जो है कमेंट आ रहे थे, तो इसी टॉपिक पर जो है मैं इस वीडियो में पूरा जो है बातचीत करूँगा। तो अगर जो भाई मुझे पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि भाई आप मेरे वीडियो में जाके जो है ऑलरेडी आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, और जो भाई पहले से देख रहे हैं उनका जो है तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उनको मालूम होगा कि मैं बहुत सारी तरह तरह की वीडियो डालता हूं। तो जो भी भाई नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भाई जो है मतलब सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत जो है धन्यवाद। तो मैं जो है शुरू करता हूँ कि मैं कुवैत में कब आया। तो दोस्तों, मैं कुवैत में 2019 में जो है 16 फरवरी को मेरी फ़्लाइट थी जजीरा एयरवेज की, तो मैं 16 फरवरी को जो है आया था 2019 में, और अभी 2022 चल रहा है। 2022 ये जो है जून जो है बीत चुका है, जुलाई लग चुका है, मतलब कि आज 4 जुलाई है, तो मतलब कि मैं अभी तक मतलब कुवैत में हूँ। और कुवैत में जैसे मैं बोलता हूँ अपने हर वीडियो में कि भाई मुझे 4 साल हो गया है, और काफ़ी भाई ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आप कुवैत में कहाँ पर रहते हो, तो आप देख सकते हैं मैं कुवैत में अमगारा में हूँ। अमगारा मतलब एक मिलिट्री कैंप था, जो पहले था मिलिट्री कैंप था, अभी फ़िलहाल यहाँ पे मिलिट्री कैंप वाले नहीं रह रहे हैं, मतलब यहाँ पे पूरी कंपनियों के जो है आदमी लोग रह रहे हैं। आप अगल बगल आप देख सकते हैं, मैं घुमा के दिखा दे रहा हूँ, पूरा यहाँ का मतलब इसी तरह से मतलब रहन सहन है, और ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ये मतलब कि कैंप है, और इसी कैंप में मतलब पूरे कंपनी के लोग जो है रहते हैं, तो यहीं पर मैं भी रह रहा हूँ। और पहले मैं सोइबा में रहता था, मतलब फाइल के पास में कुवैत में, लेकिन अभी मतलब क्या है कि मेरे कंपनी का साइट इधर चले आया है तो मुझे इधर बुला लिया गया है, तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब यहाँ पे रह रहा हूँ। तो अभी मैं अमगारा में हूँ। और दोस्तों, मैं आपसे ये जो पूछा जा रहा था कि भाई मैं इंडिया में कहाँ से हूँ, तो मैं इंडिया में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले सिद्धार्थनगर से हूँ, और सिद्धार्थनगर में मतलब ये मान के चलो मेरा सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के करीब में ही मेरा गांव है, छोटा सा गांव है। और मैं दोस्तों एक किसान परिवार से हूँ, बहुत ही गरीब घर से हूँ, मतलब कि मैं ऐसे आपको बताता हूँ तो शायद आप लोगों को यकीन ना होए, तो मैं आने वाली वीडियो में मैं बहुत सारी वीडियो ऐसा आपको दिखाऊँगा जो कि मेरी सच्चाई है। मैं कुवैत आने का मेरा रीज़न क्या था वो सारा कुछ जो मैं बताऊँगा और वीडियो में भी आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, मैं एक किसान परिवार से हूँ, मेरे माता पिता कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, और मेरे माता पिता मतलब एक साधारण परिवार से, मतलब खेती किसानी करने वाले परिवार से मैं हूँ। और कुवैत में मेरा आने का जो है रीज़न क्या था कि दोस्तों मेरे पास जो है घर था, मेरे पिताजी ने जो घर बनाया हुआ था वो घर कैसा था कि मतलब कि आगे खपड़े का था और पीछे जो है ईंट के छत का था, पहले जो है ईंट के छत का चलता था, तो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होता था। दोस्तों, मैं मुंबई में काफ़ी सालों से मैं जॉब कर रहा था, मुंबई में करीब मैं मतलब कि 5 साल तक लगातार मैं वहाँ पे जॉब किया हूँ, और काम वगैरह भी मैंने वहीं से सीखा हुआ है। और मुंबई में मैं जॉब करता था तो मुझे 20,000 रुपये मिलते थे, वहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं मिलता था, और 20,000 रुपये मिलते थे दोस्तों, मुझे 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता था, 9 से 9 ड्यूटी करना पड़ता था। आप सोच सकते हैं कि 9 से 9 मैं ड्यूटी करता था, उसके बाद में ड्यूटी करके 9 बजे से आता था, तो मैं जो है वहाँ से कंपनी से जहाँ से निकलता था मुझे आधे घंटे लगते थे अपने रूम पे पहुँचने के लिए, तो मैं वहाँ से निकल के अपने रूम पे आता था, फिर उसके बाद मैं रास्ते में आते समय मुझे सब्ज़ी वगैरह ख़रीदना रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई हम लोग मुंबई में भी खुद ही बनाते खाते थे, और यहाँ भी अभी कुवैत में हूँ यहाँ पर भी मैं खुद ही बनाता खाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मतलब कि मैं बताऊँगा तो काफ़ी सारी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें आपको जो है बता दे रहा हूँ। तो मैं मुंबई में जहाँ पर काम करता था मुझे 20,000 रुपये
वहाँ पे मिलते थे महीने के, और सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक मुझे वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ता था। तो कुवैत आने का दोस्तों मेरा सबसे जो ज़्यादा बड़ा रीज़न था मेरा ये था कि मैं कुवैत में जाऊँ विदेश में। जैसे गांव में हमारे 2-4 बंदे लोग जो है गए हुए थे सऊदी दुबई, तो उन्होंने भाई सऊदी दुबई जाके इतना अच्छा घर बनाया, इतना अच्छा मतलब पैसा कमाया, तो मतलब मेरे दिल में भी ये तमन्ना जग गई कि यार मैं इतने सालों से मुंबई में मतलब कि काम कर रहा हूँ और मेरा घर जो है ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है, तो मेरा घर कब पक्का घर बनेगा, कब मेरे पास पक्का घर होगा, कब मेरे पास गाड़ी घोड़ा होगा। जो कि मतलब मेरा भी एक इच्छा था दोस्तों कि मैं भी थोड़ा बढ़िया से घर बनाऊँ, बढ़िया से स्टेटस बनाऊँ, ताकि मतलब कि जैसे बाकी लोग जो लोग अपना घर और बना लिए थे तो उनको देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता था। तो मेरे दिल में यही तमन्ना थी कि मैं भी मतलब कि कुवैत आऊं और उसके बाद मैं यहां से पैसे वगैरह कमा के मतलब मैं अपना घर जो है पक्का बना सकूं, और काफ़ी मतलब जो लोग भी हमारे रिलेशन वाले हैं, जो लोग हमारे गाँव वाले हैं, वो सब मतलब कि मेरा घर वर देखते थे तो काफ़ी मतलब कि सबको यही लगता था कि अरे मतलब कि लड़के लोग कमाते हैं लेकिन ये लोग कुछ जो है बना नहीं पाते हैं, कुछ ये लोग बनाए नहीं, पता नहीं क्या किए हुए हैं। तो मतलब इस तरह से काफ़ी लोग जो है मतलब कि डीमोटिवेट करते थे और उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलते थे इस तरह से। लेकिन दोस्तों दूसरे का बोल के या दूसरे के सुनने के हिसाब से हमारा नहीं होता, जब ऊपर वाला हमारे किस्मत में लिख देता है कि हाँ ये चीज़ तुम्हारा होना है तो होना ही है। तो फाइनली मैंने 2019 में दोस्तों तैयारी किया कि मैं अब मतलब बाहर निकलूँगा, मैंने पासपोर्ट बनाया दोस्तों। और मैं ये भी बता दूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक छोटा बच्चा भी है, मैं एक वीडियो में दिखाया भी था। तो मेरे घर वाले मतलब कि मेरे खानदान में कोई बाहर नहीं आया हुआ है, तो काफ़ी लोग मतलब मेरे से यही बोल रहे थे, मेरे घर वाले मेरे मम्मी पापा भी यही बोल रहे थे कि बेटा मत जाओ बाहर, अपने घर का कोई नहीं गया हुआ है, आप बाहर मत जाओ, यहीं पे कमाओ, सुकून में रहोगे, कम कमाओगे, कम खाओगे, सुकून में रहोगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे जैसे आदमी का जिम्मेदारी बढ़ता है, जैसे जैसे उसके पास मतलब कि जिम्मेदारियाँ आती हैं, उसी तरह से उसके अंदर परिवर्तन होता है। तो मेरे अंदर भी मतलब कि इसी तरह का मतलब कि परिवर्तन आया, मेरे को सोच के ऐसा रोने जैसा आ रहा है कि मतलब मैं वहाँ पे था, मुंबई में था, इतने सालों से मैं काम कर रहा था, लेकिन दोस्तों मैं कभी घर बनाने के लिए अगर सोचता भी था ना तो मेरा पैसा ही नहीं बचता था। मतलब कि जितना मैं कमाता था उतना मान के चलो कि मेरा खर्चा हो जाता था, तो मतलब कि वहाँ से कुछ पैसे मेरा जो है बचता नहीं था। तो मैं यही सोच के मतलब कि कुवैत में आया, और कुवैत में दोस्तों मैं मतलब कि 2019 में आया हूँ, 16 फरवरी को मेरी फ़्लाइट थी जजीरा एयरवेज की, तभी से लेके अभी तक मैं कुवैत में हूँ। और यहाँ पे मैं काम करके मतलब काफ़ी अच्छा जो है पैसा कमाया, ऊपर वाले के कर्म से, आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के मतलब आशीर्वाद से बहुत अच्छा पैसा मैं कमाया। और आज मैं घर भी बना लिया हूँ, गाड़ी भी ले लिया हूँ, मतलब कि अभी सब कुछ मेरा ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को जो है झेलना पड़ता है। कभी कभी दिल में यही आता है कि अरे यार बताओ हम खुद खाना बनाते खाते हैं, कभी टाइम पर ऐसा होता है कि अगर ड्यूटी लेट पास हो गया तो मतलब ऐसा हो जाता कि खबूस, यहाँ पे एक रोटी मिलता है खबूस बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है खबूस ला के जो है गर्म करके खा के जो है सो जाते हैं। मतलब कि बहुत दिक्कत होता है, बहुत तकलीफ़ होता है ये सोच के कि यार आज हम अपने परिवार में होते तो कम से कम हमारे परिवार वाले बना के हमको खाना खिलाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और बहुत मतलब तकलीफ़ होता है। कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि अब नहीं, मैं कुवैत में अब नहीं जाऊँगा और अब मैं घर पे रहूँगा, अपने परिवार में रहूँगा। लेकिन फिर जब वही सारी परेशानियाँ मैं अपना देखता हूँ, पिछला वाला चीज़ है जो मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो मतलब कि पुराना घर था, पानी अगर बरसता था तो छत से पानी टपकता था, बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब जब पहले की बातें सोचता हूँ दोस्तों तो मेरे को रोने जैसा आ जाता है। फिर अंदर ही अंदर मैं मतलब कि मोटिवेट हो जाता हूँ कि अपने पुराने दिन को जो है भूलो मत, अपने पुराने दिन को जो है याद करो, और उसी को लेके उसी को याद करके दोस्तों फिर मैं अपने दिल से ये बातें निकाल देता हूँ कि मैं जो है कुएं छोड़ूंगा। क्योंकि दोस्तों देखो, इंडिया में हम कहीं पे भी काम करते हैं, वैसे प्राइवेट सेक्टर सरकारी नौकरी तो लगना बहुत मुश्किल है, और सरकारी नौकरी अगर लग भी जाती तो बहुत ज़्यादा पैसा उसमें जो है भरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे देना पड़ता है जब जाके सरकारी नौकरी मिलती है। तो अगर मान के चलो कि वहाँ पर हम सरकारी नौकरी के भरोसे बैठेंगे तो ये मान के चलो कि बैठे ही रहेंगे, तो इस तरह से सरकारी नौकरी का मतलब कि कोई वहाँ पे भरोसा नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे भी हम जॉब करते हैं, जहाँ पे भी हम काम करते हैं, तो वहाँ पे मान के चलो हमको बहुत मतलब कि खटाया जाता है, एक तरह से बहुत काम कराया जाता है, जब जाके हमको 20,000 रुपया या 25,000 रुपया मतलब मिलता है। अब मुझे 20,000 रुपया मिलता था
जिस समय मुझे 20,000 रुपया मिलता था उसी समय कितने लड़के ऐसे थे या कितने एजेड लोग भी ऐसे थे मेरे ही कंपनी में जो कि हेल्पर में काम करते थे दोस्तों, उनको 12,000 से 13,000 रुपये मिलता था। अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मेरे से मोटिवेट होते थे कि यार ये लड़का कब इतना बड़ा हुआ, कब पढ़ाई किया और कब जो है इसने काम सीख के कब जो है ये मतलब कि वेल्डर हो गया। मैं दोस्तों वेल्डर भी हूँ और टेक्नीशियन भी हूँ, मैं दोनों काम मतलब करता हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मैं वेल्डर करता हूँ और वेल्डिंग का काम मैं मतलब मुंबई से ही सीख के आया था। तो जितने भी भाई मतलब कि जो बिल्कुल ये मान के चलो कि नए नए इंडिया से आने के लिए सोचते हैं दोस्तों, वो मुंबई में मतलब कि किसी भी फैक्ट्री में लग के अगर काम सीख के अगर आते हैं तो ये मान के चलो उनको कि बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे रिस्पांस मिलेगा, बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यही है कि शुरू शुरू में दोस्तों आप पैसे को जो है ज़्यादा महत्व मत दीजिए, सिर्फ काम को महत्व दीजिए, क्योंकि अगर काम आप सीख गए, कोई भी काम किसी भी फील्ड का काम हो, अगर आप काम सीख गए तो ये मान के चलो जॉब तो आपको 100% मिलना ही है। तो शुरू शुरू में मैंने भी, आज मेरे गाँव वाले भी काफ़ी भाई जो है मतलब कि मुझे मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे कॉल करते हैं पर्सनली, बोलते हैं यार कि अरविंद मतलब कि तू गाँव में अपने तू एक ऐसा लड़का है कि जो मतलब कि जो सोचा वो मतलब कर लिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं दोस्तों, क्योंकि देखो किस्मत मतलब कि जिसकी किस्मत जहां लिखी रहती है वहां उसे जो है जाना ही पड़ता है। मेरे किस्मत में था, मुझे कुवैत आना था, मैं आ गया। मेरे घर वाले भी मतलब मना कर रहे थे, यहाँ तक कि मेरी वाइफ भी मतलब बोल रही थी कि मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं सोचा नहीं, मेरे को अपने किस्मत को जो है बदलना है, मुझे कुछ ऐसा नया करना है जिससे कि मेरा घर जो है नया हो जाए, मेरा घर एकदम बिल्कुल अलग लुक में दिखे, ताकि जो है लोगों को लगे कि हाँ चलो ये लोग रहते हुए इस तरह से हैं तो कम से कम इनका घर भी ढंग से रहे। और मैंने पहले भी आपको बताया मैं किसान परिवार से हूँ, मेरे माता पिता खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी करके ही उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के इतना बड़ा किया। आज मैं खुद उनके आशीर्वाद से मतलब कि घर जो है बना पाया हूँ और मेरे माँ बाप मतलब कि अभी उस घर में मतलब रहते हैं, तो उनसे पूछने पे मतलब अभी थोड़े मतलब बहुत ही खुश होते हैं वो। तो मेरा यही उम्मीद था कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ कि मतलब कि घर और खूब बढ़िया से एकदम बना दूँ, ताकि मेरे माँ बाप जो रहें तो उनको भी लगे कि हाँ मेरा लड़का मतलब कुछ किया है। तो जो भी भाई इंडिया से नए आते हैं वो ये मान के चलो कि शुरू शुरू में जब आते हैं तो भाई बहुत सारी परेशानियां यहां पे हो सकती है। जैसे मान लो शुरू शुरू में मैं आया था, जैसे मेरा 16 फरवरी को मेरा जो है यहां पे फ्लाइट था जजीरा एयरवेज का, तो उस समय मैं पहली बार आया था तो मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया हुआ था कि यार मैं मतलब पहली बार मतलब गल्फ देशों में जा रहा हूं। और काफ़ी मेरे गाँव वाले ऐसे भी तो बोलते थे कि भाई वहां पे भेड़ बकरी चराने में लगा देंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो मैं सोचा कि यार मैं वहां पे अगर जाऊंगा तो मेरे को कहीं ऐसा हो जाएगा तो तुरंत भागना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो है 50,000 रुपया दोस्तों मैं कर्ज लिया हुआ था दूसरे से, कर्ज लेके वो 50,000 रुपया जब मैं आया था। तो मतलब ये चीज़ें मैं इसलिए खोल के बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप सबको जो है मालूम पड़े मेरे बारे में। और मैं आगे वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे वीडियो है, मैं अपने घर का भी पुराने वाले घर का भी वीडियो शूट किया हूँ, तो वो सारे कुछ जो है मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो मैं 50,000 रुपये दूसरे से कर्ज लेके दोस्तों मैं यहाँ पे आया हुआ था, और कर्ज लेके जो है मैं यहाँ पे आया तो वो 50,000 रुपया मैं 1 से 1.5 महीने में ही मतलब कर दिया, और जिनसे भी मैंने कर्जा लिया था वो 50,000 रुपया सबसे पहले उनका कर्जा ही मैंने दिया। तो यहाँ से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने किया, बहुत कुछ जो है मतलब कि यहाँ से मैं कमा के बहुत कुछ मैं बना लिया हूँ और बहुत कुछ कर लिया हूँ। और ऊपर वाले का आशीर्वाद से, ऊपर वाले की दुआ से, आप सबके प्यार आशीर्वाद से, सपोर्ट से, मैं यही सोचता हूँ कि यार जितना भी मेरे से हो पाए, मेरे जैसे जो भी भाई हैं मेरे से जितना भी बने मैं उनका हेल्प कर सकूँ, उनके लिए कुछ जो है मोटिवेशन दे सकूँ। तो काफ़ी सारे भाई जो है कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हो, मतलब कि वहाँ कैसे गए थे, तो यही सब चीज़ें मैंने जो है बताया। और मैं दोस्तों ये भी बता दूँ, मैं मुंबई में जो है एक पायनियर ट्रैवल करके ऑफिस है, मैं पायनियर ट्रैवल ऑफिस से मतलब आया हुआ था, और वहाँ पे जो है 40 से 45,000 रुपया मतलब उस समय 2019 में चार्ज था, तो मैं जो है 45,000 रुपया चार्ज दिया हुआ था, और मेडिकल का मेरा 5,500 रुपया मेरा मेडिकल का लगा हुआ था और नॉर्मल मेडिकल का मेरा 1,500 रुपया लगा हुआ था। तो उस समय मान के चलो 2019 में मेरा 55 से 60,000 रुपया टोटल लगा हुआ था और उतने में ही मेरा हो गया था। और मैं यहाँ आके 2 साल रह के उसके बाद यहाँ से गया हूँ, मैं लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद 10 महीना मैं रहा हूँ, तो घर वर अपना बनाया हूँ, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने वहाँ पे रह के जो है किया हुआ है। तो इसी तरह से जो है मैं अभी फ़िलहाल कुवैत में हूँ, और यहाँ पे जब दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, लेकिन वही मैंने बताया आपसे कि जब पुराना जो है मैं अपना सोचता हूँ पुराना वाला दिन यार, कि मतलब कि मैं
किसी से मतलब जैसे कर्जा वर्जा मैं जल्दी किसी से लेता नहीं हूँ गांव में, ना ही तो किसी के यहाँ मैं उधारी उधारी खाता हूँ। तो अगर मेरे पास पैसा नहीं रहता तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है यार कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो मतलब अभी मैं क्या करूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब कि मेरा कुछ लाइफ है, मेरी कुछ ज़िंदगी है। और दोस्तों जितने भी भाई मतलब कि यूट्यूब पे मुझे यार गलत सलत बोल देते, बोलते हैं तू पागल है, तू चूतिया है, कुछ भाई गाली भी देते हैं, तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो भाई। मैं भी सेम आपके जैसा हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। ऐसा कुछ भी मत सोचो भाई मेरे कि यार मैं यहाँ पर आ गया हूँ या यहाँ पर पैसे कमा रहा हूँ तो मेरे अंदर घमंड हो गया, एटीट्यूड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप जब भी हमसे फेस टू फेस अगर मिलोगे कभी ऐसे ऊपर वाले ने चाहा तो, मैं तो अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि जितने भी भाई मेरे कमेंट करते हैं तो मैं सबसे मिलूँ। तो जब भी ये मान के चलो कि आप कमेंट करोगे, जब भी आपका मिलने का इच्छा रहेगा, जब हम मिलेंगे ना तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि हाँ मैं क्या हूँ और आप क्या हो। बाकी तो ऐसे लोग कुछ भी बोलते हैं एक दूसरे के बारे में, तो उल्टा पुल्टा प्लीज़ मत बोलो यार। जो भी भाई मतलब कि गलत कमेंट करते हैं या जो भी भाई ऐसा सोचते हैं कि मैं मतलब कि उनका हेल्प नहीं करना चाहता या उनका कोई मदद नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत आप सोचो यार। देखो मेरे से जितना होता है मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश करता हूँ, आपको इंस्टा पर भी रिप्लाई करता हूँ, कमेंट में भी जवाब देता हूँ। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर लोग यहाँ से वीडियो डालते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बताते हैं, उनके भी वीडियो देखिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ उनके वीडियो मत देखो, उनको भी वीडियो देखिए, उनके भी चैनल पे कमेंट करके आप देखिए कि कौन यूट्यूबर आपको रिप्लाई करता है, कौन यूट्यूबर आपसे बात करता है, कौन यूट्यूबर आपके इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करता है। आप उनसे पहले जो है कमेंट करके बातचीत करके देख लीजिए, उसके बाद मेरे बारे में कुछ भी बोलिए। तब ये सब था दोस्तों कि मैं यहाँ पे जो है हूँ, और आप सबके प्यार आशीर्वाद सपोर्ट की वजह से आज मेरे चैनल पे 12,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, और सभी को मैं अपनी तरफ से मतलब कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप लोगों का जो भी मतलब कि चाहत है कि आप भी कुवैत में आ जाओ, तो आप सबका मनोकामना पूर्ण हो, आप आराम से कुवैत जो है आ जाओ, और मेरी तरह जितने भी भाई हैं गरीब परिवार से हैं उनका तो 100% मतलब कि हो जाए। क्योंकि देखिए हर आदमी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं जो है मुंबई में जॉब करता था, मुझे 12 घंटे ड्यूटी वहाँ पे करनी पड़ती थी, यहाँ पे मुझे 8 घंटे का जितना मैं मुंबई में 12 घंटा काम करके मैं 20,000 रुपये कमाता था, यहाँ 8 घंटा ही करके मैं उसका डबल पैसा कमा लेता हूँ और उससे ज़्यादा भी मतलब कमा लेता हूँ। तो ये मान के चलो कि यहाँ पे नॉर्मल आदमी जो भी अगर आते हैं तो मान के चलो कि 50,000 तो एकदम आराम से कमा ही सकते हैं यहाँ पे, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे दोस्तों जो है हर आदमी जो अपना करता है कमाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है अगर ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप जो है कमेंट करके मुझे जो है बताइए कि आपको जो है क्या जानकारी चाहिए, आपको मतलब कि मेरे बारे में क्या जानकारी चाहिए या किस तरह की वीडियो आपको जो है चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो जो है डाल सकूँ। तो चलिए ठीक है, इतना ही कुछ था, मैंने सोचा चलो जो है बता दिया जाए आप सबको, ताकि आपको जो है मालूम पड़ जाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो भी मैं यहाँ से वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।